नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, आप लोगों ने देखा होगा अखबारों के अंदर बर्ड फ्लू की फिर से दोबारा न्यूज आनी शुरू की। बर्ड फ्लू क्या होता है, ये कैसे फैलता है और बर्ड से ये इंसानों में कैसा आता है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर अचानक से 295 कौओं की अचानक से मौत हुई है। उसमें सैंपल्स जो है कलेक्ट करके लैब में भेज दिए गए हैं, उसमें बर्ड फ्लू के सस्पेक्ट यानी संदिग्ध होने की संभावना है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के अंदर भी, इंदौर के अंदर 30 कौओं की मौत हुई है। इसी तरह जितने भी प्रवासी पक्षी हैं जो कि माइग्रेट करके आते हैं, उन पर वाइल्ड लाइफ कमेटी द्वारा विशेष नजर रखी जा रही, ताकि यदि बर्ड फ्लू की दस्तक इंडिया के अंदर होती है तो उन पर अभी से अलर्ट जारी किया जा सके और समय रहते स्थिति को संभाला जा सके। बर्ड फ्लू होता क्या है? बर्ड फ्लू जो होता है H5N1 वायरस के द्वारा जो है ये बर्ड्स के अंदर फैलता है। ये मोस्टली जो है प्रवासी पक्षियों के द्वारा जो है हिंदुस्तान में आता है। हिंदुस्तान के अंदर जो पहला केसेस रिपोर्टेड हुआ था बर्ड्स का 1997 के अंदर हुआ था। उस टाइम 60% बर्ड्स के केसेस की जो है जिन बर्ड्स के अंदर इन्फेक्शन होता है 60% बर्ड्स की जो है डेथ हो गई थी, और जो व्यक्ति उन बर्ड्स के संपर्क में आया था वो इसकी चपेट में आ गए थे। इसमें बर्ड्स में किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, ह्यूमंस में किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, वो लक्षण एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको यदि इस तरह का कोई भी पक्षी आपको नजर आता है तो तुरंत आप अपने नजदीकी हायर अथॉरिटीज को आप संपर्क कर सकते हैं या उसकी सूचना दे सकते हैं। बर्ड्स में जो सबसे मेन सिम्टम्स होता है डायरिया होता है, नेजल डिस्चार्ज, उसकी नाक से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। और बर्ड्स में जो है आप मान के चलिए थोड़ा जो उसके वेटल्स या कॉम्ब होते हैं उनमें सूजन आनी शुरू हो जाती है। ये भी जो है एक बर्ड फ्लू का सिम्टम्स है। कफ एंड सीजिंग भी बर्ड फ्लू का सिम्टम्स है। लैक ऑफ इनकॉर्डिनेशन यानी बर्ड्स जो है लड़खड़ा करके चलना शुरू कर देता है जब भी वो जैसे ही बर्ड्स या H5N1 वायरस की चपेट में आता है। पर्पल डिसकलरेशन यानी उसकी बॉडी का जो कलर है पर्पल कलर का होना शुरू होता है। यदि आप उसके पंजों के कलर्स को देखेंगे, उसके जो पंजों का कलर की यदि आप देखेंगे तो नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये एक सिम्टम्स होता है स्टार्टिंग से स्टेज में कि आपका बर्ड्स जो है बर्ड्स फ्लू की चपेट में आ गया है। अब ये मोस्टली माइग्रेटरी बर्ड्स के थ्रू आता है। माइग्रेटरी बर्ड्स आपने देखा हो ज्यादातर पानी के अंदर में रहते हैं, जलाशयों के अंदर में रहते हैं। तो इसी तरह जितने भी जैसे इस टाइम नैनीताल की जो झीलों के आसपास जितने भी इस टाइम माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उन पर विशेष नजर रखी जा रही है। उस पानी के संपर्क में जो भी ह्यूमन उसके टच में आता है वहां से ह्यूमन जो है ये इन्फेक्शन कैच कर लेता है और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ये इन्फेक्शन जो है आगे फैलना शुरू होता है। ह्यूमंस में किस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं? सबसे पहले इंसानों के अंदर जो बुखार होना शुरू होता है, गले में जकड़न, पूरे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, इंसान का शरीर ऐंठना शुरू हो जाता है, बलगम यानी कफ जैसे सिम्टम्स उसमें जो है इंसानों के अंदर देखने को मिलते हैं। यदि कोई भी मनुष्य किसी बर्ड्स के संपर्क में, उनके संपर्क में आने के बाद या उनके वेस्ट मटेरियल में संपर्क आने के बाद मनुष्य में इस तरह के सिम्टम्स आए तो तुरंत मनुष्य को अपने जो है आप कह सकते हैं बलगम की जांच जो लेबोरेटरी के अंदर जांच करवा लेनी चाहिए, ताकि समय रहते अपना एंटीवायरल मेडिकेशंस के द्वारा अपना इलाज करा करके वो अपने आप को बचा सके। इसका इलाज संभव है, समय रहते यदि हम एंटीवायरल ड्रग्स लेंगे तो हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। इस टाइम जो हमें विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, यदि हम ये एक बार पुष्टि हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर पोल्ट्री के अंदर देखा गया तो हमें मीट का जो कंजप्शन है अगर हमें पुष्टि हो जाती है तो उससे मीट का कंजप्शन बंद कर देना चाहिए, एग खाना बंद कर देना चाहिए या बर्ड से रिलेटेड जितने भी बाई प्रोडक्ट्स हैं उनका जो हमें बहिष्कार कर देना चाहिए, ताकि ये इन्फेक्शन हमारा आगे फर्दर ना फैला सके। बर्ड्स की जैसे ही डेथ हो जाती है एक स्थान पर, एक से ज्यादा पक्षियों की अचानक से डेथ होती है बिना किसी कारण के, तो तुरंत अपनी हायर अथॉरिटीज को आप संपर्क कीजिए ताकि वो उसके सैंपल्स को लैब में भेज करके इस वायरस की पुष्टि कर सके और समय रहते एक अलार्मिंग के द्वारा हम अन्य पक्षियों को और अन्य ह्यूमंस को इनके कॉन्टेक्ट में आने से बचा सके। यदि आपने पक्षी पाले हुए हैं तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सभी पक्षियों में बर्ड फ्लू नहीं होता। इसलिए मैंने ज्यादातर लोगों का आजकल मेरे पास फोन करके आ रहा है कि उनके उन्होंने इतने सालों से पक्षी पाले उनके बर्ड्स में बर्ड्स फ्लू होने की संभावना तो नहीं है। देखिए, जब तक आपका बर्ड्स किसी ऐसे दूसरे बर्ड्स की संपर्क में नहीं आएगा जो फ्लू से इन्फेक्टेड है तो आपके बर्ड्स में आपके मन के चलिए बर्ड फ्लू नहीं होगा।
बर्ड्स फ्लू के सिम्टम्स में आपको बता चुका हूँ, फिर भी प्रिकॉशनरी जो जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, यदि आपको अपने बर्ड्स में कोई भी इस तरह का सिम्टम्स नजर आता है, आप अपने नजदीकी वेटरनरी डॉक्टर से संपर्क करके तुरंत एंटीवायरल मेडिकेशंस जो है आप अपने बर्ड्स के चालू कर दीजिए, ताकि बर्ड्स को भी समय रहते बचाया जा सके, या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले सकते हैं समय रहते ले सके। इसमें जो मेन है, जो बर्ड्स की केयर टेकर होते हैं उनको सबसे ज्यादा क्या है, अपने फेस के ऊपर फेस मास्क लगा करके बर्ड्स के जितने भी हेल्थ रिलेटेड कार्य है वो करने चाहिए, ताकि उनका जो डस्ट वगैरह मटेरियल है वो बॉडी के अंदर न जा सके। उसमें फेस मास्क और हाइजीनिक कंडीशन जितनी ज्यादा मेंटेन करेंगे, उसी प्रकार अपने हाथों को बार बार आप साबुन से या एंटीसेप्टिक सोप से जो उसको धोते रहे, ताकि इस इन्फेक्शन को हम आगे फर्दर फैलने से रोक सकें। आप यदि किसी भी पेट्स से रिलेटेड, यदि बर्ड्स की टर्टल या टॉर्टल से रिलेटेड किसी भी बर्ड्स का ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जो है ज्वाइनिंग का एक बटन का ऑप्शन है, आप जाकर के उसको ज्वाइन करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।